महाराष्ट्र में सियासी उठापटक झेल रही शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। राउत को यह नोटिस पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया है। उन्हें कल ही पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस के बाद राउत ने कहा, मैं मंगलवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकूंगा क्योंकि मुझे अलीबाग में एक मीटिंग में शामिल होना है। उन्होंने ईडी के समन को साजिश करार देते हुए ट्वीट किया, अब मैं समझता हूं कि ईडी ने मुझे समन क्यों भेजा है। अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहेब के हम सभी शिव सैनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यह साजिश चल रही है, मेरी गर्दन कट जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। चलो मुझे गिरफ्तार करो। जय महाराष्ट्र। ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस केस में संजय राउत का नाम भी जुड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।